पौड़ी के दाड़ोधार भिताई मोटर मार्ग के खस्ता हाल होने पर ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग का घेराव कर लिया है और इस सड़क में डामरीकरण के जल्द न होने पर लोकसभा चुनाव बहिष्कार करने का भी ऐलान किया। ग्रामीणों का कहना है कि बीते 10 सालों से सड़क का डामरीकरण न होने के चलते सड़क खस्ता हाल हो चुकी है, जिसमें आवाजाही करना अब हादसे के खतरे को बढ़ा रहा है। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता DC नौटियाल ने बताया कि सड़क का निर्माण 15 साल पूर्व जिला योजना से किया गया था, लेकिन अब सड़क खस्ता हाल है। ऐसे में सड़क की DPR शासन को विभाग एक हफ्ते में भेज देगा, जिसके बाद बजट मिलते ही सड़क डामरीकरण का कार्य भी पूरा किया जाएगा। नाम शोभा देवी है सर। अब मैं हम रोड के चक्कर में आ रहे हैं सर। अब हमारी रोड इतने साल हो गए बनी नहीं, अभी हम ऑफिस PW ऑफिस पहुंच रहे हैं और 15 दिन का आश्वासन दे रखा है। 15 दिन बाद नहीं होगी, हम धरना प्रदर्शन करेंगे वहाँ भी ऑफिस में। नहीं होगा तो DM काले में धरना प्रदर्शन कर सकते हैं हम। ये भिताई रोड लगभग 15-16 साल पूर्व निर्मित है और इसका डामरीकरण 15-16 साल पहले होना बताया गया था जिला योजना के माध्यम से। वर्तमान में सड़क की सतह काफी क्षतिग्रस्त है, तो पुनः इसकी DPR बना के हम राज्य योजना के अंतर्गत शासन को प्रेषित कर रहे हैं और एक सप्ताह में हम लोग इस DPR को प्रेषित कर देंगे और आवश्यक जो मरम्मत कार्य है, नाली का निर्माण इत्यादि, वो हम तुरंत शुरू कर रहे हैं और इस महीने में हम पूर्ण कर देंगे जो आवश्यक कार्य है।